हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश सोमपुरा और आज के पावन गीता दिवस के दिन पर मैं आपको बताऊंगा कि श्री भागवत गीता के आपकी जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है और उसका अभ्यास आपको क्यों करना चाहिए। मित्रों, आज से 4 से 5 साल पहले जब मैंने श्रीमद् भागवत गीता का अभ्यास शुरू किया तो मेरे गुरु ने मुझे पहला प्रश्न ये पूछा कि तुम भागवत गीता का अभ्यास क्यों करना चाहते हो। मैंने कहा, दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, श्री महात्मा गांधी हो या हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हो, सभी में एक बात कॉमन है और वो ये कि सभी ने श्रीमद् भागवत गीता का अभ्यास किया है। इसलिए मैं भी इस ज्ञान के खजाने को जानना चाहता हूँ। जैसे जैसे 4-5 साल के बाद मैं इसका भागवत गीता का अभ्यास करके आगे बढ़ा, तब मुझे पता चला कि भागवत गीता एक ज्ञान का वो खजाना, वो एक टूल है, वो एक साधन है, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप लेटर टाइप करना चाहते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना होता है, और अगर आप कोई फोटो एडिट करना चाहते हो तो आपको अडोब फोटोशॉप में करना होता है। लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम के लिए यूज किया जाए, वो जानने के लिए आपको कोई बताने वाला तो चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता आपको बताती है कि आपको जीवन की किस परिस्थिति में कौन सी भावनाएं, कौन से विचार करने चाहिए, क्या एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए, यह आपको श्री भागवत गीता बताती है। अगर आप अडोब फोटोशॉप में लेटर टाइप करने जाओगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप फोटो एडिट करने जाओगे, नुकसान आपका होगा, वक्त आपका ज़ाया होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन ये जीवन में अलग अलग सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करना, उसे कैसे डील करना, ये बताने वाला कौन है जीवन में, और ये सवालों के जवाब श्री भागवत गीता से आपको मिलेंगे। दोस्तों, आपको सिर्फ जिंदगी के 3 घंटे, सिर्फ जिंदगी के 3 घंटे निकाल के श्री भागवत गीता की ऑडियो MP3 फाइल जो इंटरनेट पर मिलती है, वो सिर्फ 3 घंटे में आप सुनिए। पहली बार में आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में थोड़ा थोड़ा समझेगा, तीसरी बार में थोड़ा थोड़ा समझेगा। आप इस पुस्तक को जान लो, मानने न मानने के लिए आप फ्री हो। भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्होंने पूरी श्री भागवत गीता कही है, उन्होंने भी अर्जुन को कोई फोर्स नहीं किया कि तुम ये मेरी बात मान लो। उन्होंने कहा, मैंने जो सच था तुम्हें बता दिया, अब आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो, या युद्ध तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं। तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, इस पुस्तक में जो भी लिखा है वो आप मान लो, नहीं, आप सिर्फ जान लो। ड्राइविंग जानना जरूरी है, उसके बाद भले आप ड्राइवर रख लो, आपको ड्राइविंग आती होगी फिर आप ड्राइवर रख लो। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग आती ही नहीं है, जिस बात की आपको जानकारी ही नहीं है, वो आपकी निर्बलता का कारण बन जाएगी। जीवन में आप निर्बल रह जाओगे। सिगरेट के हर बॉक्स पर लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये जानना जरूरी है आपके लिए। मानना न मानना आपकी मर्जी पर, इसलिए तो लोग सिगरेट पीते हैं क्योंकि वो उस बात को मानते नहीं है, और जो मानते हैं वो मानने के बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं करते जो वो मानते हैं। वो मानते हैं सिगरेट नुकसानकारक है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वो सिगरेट पीते रहते हैं। तो वैसे ही अच्छी चीज़ों को भी आप जानो, मानो न मानो आपकी मर्जी, और उसको मानने न मानने के बाद भी इम्प्लीमेंट करना न करना आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। आज श्रीमद् भागवत के अनुसार चाय कॉफ़ी पीना मना है, तो क्या सारे लोग जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा है, जो इन पुस्तक का मान रखते हैं, जो सुबड़ा मानते हैं, क्या उन्होंने चाय कॉफ़ी छोड़ दी? नहीं छोड़ दी, वो तो अपना जीवन उसी तरह जी रहे हैं जैसे कि उनको सहूलियत है। लेकिन फिर भी वो जानते तो है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो भागवत गीता के अनुसार मुझे नहीं करना चाहिए। एक बार उन्हें वो पता है, फिर उनके मन में अपने आप जब श्रद्धा जागेगी, अपने आप चाय कॉफ़ी छूट जाएगी, या जो भी गलत आदतें हैं
गलत विचार है वो अपने आप छूट जाएंगे। कोई फोर्स कोई किसी को फोर्स नहीं करता, और कोई फोर्स है भी नहीं, कोई फोर्स करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जानकारी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। संक्षेप में देखें तो भगवद गीता में उन सारे प्रश्नों का जवाब है कि इंसान क्या है, भगवान क्या है, धर्म क्या है, धर्म की ज़रूरत क्या है, प्रेम क्या है, दुनिया में हम लोगों ने किस लिए जन्म लिया है, दुनिया भगवान ने किस पर्पज़ के लिए बनाई है, इन सारे प्रश्नों के जवाब भगवद गीता में है। तो उसका अध्ययन आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।